अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जूनियर कलर का, जो 28/8/2021 को हुआ था। केस नंबर 6H2021 और डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो आए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला पोर्शन है जीके का पोर्शन है, तो जीके पोर्शन को हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। करंट सी पैक चेयरमैन खालिद मंसूर, आफ्टर लिविंग अमेरिकन फोर्सेज हु टेक्स द चार्ज ऑफ काबुल एयरपोर्ट, तो ये नेटो फोर्सेज का जो है ना राइट आंसर। कैपिटल ऑफ टर्की आंकरा, कैपिटल ऑफ सिंध कराची। नेटो फाउंडेड इन विच ईयर, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेटो कब जो है वो फाउंड हुई थी, 1949 को। हिंगोल डैम इज सिचुएटेड इन किस प्रोविंस में, जो है हिंगोल डैम जो है वाकया ये बलूचिस्तान में। माउंट ऑफ डेड इज नाउन एज मोहनजोदड़ो। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हैप्पी शॉर ऑफ रेन, तो पेपर में ये आंसर नहीं था, जिसकी वजह से इसका आंसर आता था पेपर में, नन ऑफ दीज। व्हाट इज मार्शल प्लान, तो मार्शल प्लान क्या है, यूरोपीय यूनियन रिकवरी प्रोग्राम। विच गैस इज यूज्ड इन बेलून्स, तो हीलियम यूज होती है और एयरशिप्स में भी यही यूज होती है। अर्थ रोटेट्स अराउंड इज इट्स एक्सिस, नुसरत फतेह अली खान गोट फेम ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद कवाली की वजह से वो मशहूर थे। हु इज द ऑनर ऑफ अमेजोन एंडे जैसे, तो ये अभी रिसेंटली एक दो पेपर में पहले भी रिपीट हो चुका है, तो पेपर में इसका राइट आंसर था नन ऑफ दीज। Which country, with which country Pakistan is connected by Wakhan corridor? तो ताजिकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट विच रेंज, तो कराक्रम रेंज पे वाकया। कैबिनेट मिशन जो है ना वो कंप्रेसिस हाउ मैनी मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स। प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1962, और ये जॉन एफ कैनेडी और खुर्शियो। बिटकॉइन करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच यूनिवर्सिटी, निकोसिया यूनिवर्सिटी में जो है ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। एजे के फ्रंटियर वांट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये क्या चाहते थे, चाहते थे कि जनाब इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हमें एक आज़ाद रियासत बनाई जाए हमारे मुल्क को एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। विच विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम सन, विटामिन डी। विच एक्टर डेब्यू फ्रॉम मूवी उमरुजान अदा इन 2003, तो फहद मुस्तफ़ा ने अपना जो कैरियर का आगाज़ किया था इस मूवी से। जाने वाला बाग इंसिडेंट इन 1919 इज़ रिलेटेड टू जनरल दायर। वायसराय एट द टाइम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल। लास्ट रूलर ऑफ यूएसएसआर वाज माइकल गोर्बाचोव। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन साहिवाल। पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज बुक इज रिटन बाय खालिद बिन सईद। गैस यूज्ड इन एयरशिप्स हीलियम गैस यूज होती है। एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज 48 ounces और फीमेल का जो होता है वो 44 ounces होता है। अच्छा, शिगन एरिया मींस फ्री मूवमेंट विदाउट वीज़ा, दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन
लग्जमबर्ग। ग्रेट बियर क्या है? लेक है, कनाडा में है। आंगन नॉवल किसका है? खतीजा मस्तूर का है। फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो है ना, वो इन इंडिया जो है ना, ये स्लेव डायनेस्टी की जो बुनियाद है वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। इसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल U2 इंसिडेंट इन 14th of October 1962 जॉन एफ कैनेडी। यूरोपियन प्लान इन 1948 टू स्टॉप कम्युनिज्म इज कॉल्ड मार्शल प्लान। हसन हबीब इज अ पाकिस्तानी प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स? पोकर। पाकिस्तान वोन 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? 1992। विच प्लेयर रिमेन चैंपियन इन स्क्वाश फॉर 5 ईयर्स? जहांगीर खान। विच कंट्री सिचुएटेड इन एशिया एंड आल्सो अफ्रीका? जो दोनों में वाक़िया है तो इजिप्ट है, जो एशिया और अफ्रीका दोनों में वाक़िया है। तो ये क्योंकि इजिप्ट की ऑप्शन नहीं थी है तो नन इसका राइट आंसर था पेपर में। कैटी बंदर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? सिंध में है और ये फिश हार्बोर से रिलेटेड है। इसराइल अटैक ऑन मस्जिद अक्सा ऑन विच डेट? 10 मई 2021। जो भी रिसेंटली अटैक किया एनजीओ होती है। इंडिया पास्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑन विच डेट? 11 दिसंबर 2019। इस सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन जो वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं और जो लोग हैं वहाँ पे, उनको अपना प्रूफ देना होगा कि जनाब उनके अबाओ अजदाद यहाँ पे हैं, यहाँ के थे। हु असिस्टेड पाकिस्तान विद सऊदी अरेबिया टाइज? कमर जावेद बाजवा। अच्छा, ये नेक्स्ट पोर्शन मैथ का है तो मैथ का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। 0.005 मल्टीप्लाई बाई 0.2 तो इसका राइट आंसर है 0.001। अच्छा जी, अमैन बॉक्स 1/3 ऑड्स देन गॉट एन ऑटो ऑन राइट 1/2 ऑड्स। विच पार्ट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड राइट ऑन ऑटो? 0.6। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 0.125125। तो वैल्यू क्या बनती थी? 125/999। तो इसका जो पॉइंट्स आंसर आता है 0.125। सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन निकालना था जनाब, मल्टीप्लिकेशन थी तो इसका राइट आंसर बनता है x+4/x। इफ a/3 = b/3 फाइंड 3a+2b/3b-2a। तो 12/5 इसका राइट आंसर है। ये सिंप्लीफिकेशन है सीधा सा। इन अ सेट s=0, 2, 4, 5, 9 विच नंबर इज स्किप इन सेट? एवरेज इज सेम 4। एज ऑफ 3 फ्रेंड्स एवरेज इज 23 ईयर्स। इफ 4th फ्रेंड एडिड तो एवरेज एज नो चेंज। फाइंड द 4th स्टूडेंट जो है, 4th फ्रेंड की जो है ना एज मालूम करनी थी 23 ईयर्स। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 8 इसका आंसर है 4। 0.005 × 0.02 = 0.001। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन उर्दू का है तो पहला क्वेश्चन है, शेर में उम्मीद आरजूमंदी और मुस्बत पहलुओं की इस्तलाह को कहते हैं रजाइत। इब्न इंचा की किताब दरियाए लताफत किस बारे में है? उर्दू ग्रामर और कवायद के बारे में। तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया नावल किसका है? खाकर नून है। क्योंकि खाकर नून की ऑप्शन नहीं थी तो नन बनता था राइट आंसर पेपर में। इकबाल के बारे में किस शायर ने पहले ही से कहा था कि ये शहरे आफाक का शायर है? तो अरशद गोरगानी। शाम सूख जाने को क्या कहते हैं? ये मुहावरा क्या कहता है? खामोश हो जाना। दुरुस्त ज़रबुल मिसल क्या है? नो नक ना तेरा आधार।
इसमें भी हमने दुरुस्त ज़रब मिसल फाइंड आउट करनी थी, घोड़े बेचकर सोना। नागा पर्बत और राका पोशी का राइटर मुस्तनसन हुसैन तार। मिर्ज़ा नौशा किसका लगा है? मिर्ज़ा गालिब का। शेरुल उजम किताब किसने लिखी है? मौलाना शिबली नुमानी। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन जो है ना वो इंग्लिश के, तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज डैश ऑफ ऑल ट्रीज, दिस इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, दिस इज द डैश ट्री ऑफ द ऑफ हिज गार्डन, ओल्डेस्ट ट्री। अच्छा, चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी थी। ही सेड टू मी आई वॉन्ट यू टू अटेंड द पार्टी, तो इसका राइट आंसर बनता है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड मी टू हैव अटेंडेड द पार्टी। दिस रोड इज डैश शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज द एंटोनम ऑफ एनोमलस? तो उसका राइट आंसर है यूगल। ब्रेविटी एंटोनम जो है ना, ब्रेविटी का मतलब होता है कि मुख्तसर, और लेंथीनेस लॉन्ग वाइडनेस मतलब तवील तरीन। बुक्स डैश इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो रीडिंग इज करेक्ट आंसर। फाइंड द सिमिलर रिलेशन बिटवीन ब्रेकफास्ट इज टू लंच एंड लंच इज टू डिनर। फाइंड द सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन पुअर्टी इज टू प्रॉस्पेरिटी एंड इंटेलिजेंस इज टू स्टूपिडिटी। इडियम है एज ओल्ड एज हिल्स का क्या मतलब है? वेरी एंशियंट। ही इज डाइड डैश करोना, तो ऑफ आएगा, डाइड के साथ ऑफ आता है प्रपोजिशन। सिनोनियम क्या है? इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ देना, तो इलिमिनेट का भी मतलब यही होता है कि निकाल देना। सिनोनियम ऑफ फ्राइगल, इसका मतलब क्या होता है? वीक, कमजोर। इफ यू, अच्छा ये नेक्स्ट पोर्शन है कंप्यूटर का, तो पहला क्वेश्चन है, इफ यू कॉपी दी वर्क बुक देन क्लिक ऑन, तो ऑल की ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। विच इज इंक्लूडेड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो यहाँ पे भी ऑल के ऑप्शन ठीक है। यू वॉन्ट टू प्रिंट एंड ग्राफिक्स इन विच व्यू विल यू यूज प्रिंट लेआउट? विच इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी डॉस। अच्छा ये नेक्स्ट जो पार्ट है वो इस्लामिक स्टडीज का है, तो पहला क्वेश्चन है, 206 हिजरी पैदाइश का साल किसका है? इमाम मुस्लिम का। हजरत इब्राहिम किस उम्मुल मोमिनीन के बतन से पैदा हुए थे? हजरत मारिया कतबिया। बैते उकबा सानिया कब हुई? 1290 को हुई। फतेह मक्का के मौके पर कितने कफार मारे गए? 28 मारे गए थे। तो ये मुतजाद वैसे कंट्रावर्शियल क्वेश्चन है, काफ़ी रेफरेंस 28 के भी मिलते हैं, 22 के भी मिलते हैं, 25 के भी मिलते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ना 22 और 28 में कन्फ्यूजन है, तो ये आप देख लीजिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला जो है कौन सा था? बनू अदी। और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तदवीन कुरान का मशवरा किसने दिया? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये आज के क्वेश्चन थे, किसी भी किस्म की जो है वो क्यूरी हो तो आप नंबर दिया गया है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी दी गई है, तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐड किए जाएँ, तो इसमें ऑलमोस्ट 90 के करीब क्वेश्चन है, और अगर इनमें से भी कोई एक आध गलती या दो तीन गलतियाँ निकल आए तो आप ईमेल कर लें या मैसेज करके जो है ना आप हमें बता दें, तो इंशाल्लाह ताला उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल जो है अब न्यू पेपर्स होंगे लाइक इस्लामियात लेक्चर के, तो इंशाल्लाह ताला उन वीडियोस के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा।